दोस्तों, अगर आप अपना स्टैमिना और ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैमिना और ताकत में अंतर क्या होता है। देखिए, ताकत का मतलब ये होता है जब भी आप कोई चीज उठाते हैं, कोई डंबल उठाते हैं, कोई भी भारी वेट उठाते हैं, तो एकदम से जब आप उसे उठाते हैं तो इसे बोलते हैं आपकी ताकत। और उसी जगह पे अगर आप उस डंबल को उठा के बहुत देर तक पकड़े रह पाते हैं तो इसे बोलते हैं आपका स्टैमिना। इसीलिए क्या होता है, जो खेत में जो किसान काम करते हैं उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा माना जाता है, ये बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है। उसी की जगह पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका स्टैमिना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बॉडी बिल्डर्स की ताकत ज्यादा होती है। तो ताकत और स्टैमिना में ये अंतर होता है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने स्टैमिना को बढ़ाना है। और जब आपका स्टैमिना बढ़ने लगेगा तो आप लोग अगर चीजें अच्छी खाओगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, अच्छी डाइट लोगे, तो आपकी ताकत भी बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें खानी चाहिए, फूड्स भी बताऊंगा आपको जिसको खाने से आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं जो कि है स्टे इन मोशन। देखिए, अब इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी का स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए, आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बेड पे लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का स्टैमिना कम होता जाएगा और उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाना है तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में लगातार तेजी से होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टैमिना बढ़ता है। इसका एक बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप जल्दी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। सबसे अच्छा जो गेम होता है जिसमें सबसे ज्यादा हमारा स्टैमिना बढ़ता है वो गेम है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश करिए, या अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो थोड़ी देर, कम से कम 30 मिनट्स की वॉकिंग या रनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रनिंग करता हूं लेकिन रनिंग में मेरा स्टैमिना कम है, मतलब मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता हूं। तो देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉब्लम है, तभी आप ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। आपने अपनी हाइपरट्रॉफी को हिट कर दिया है और उससे ज्यादा आपकी बॉडी नहीं झेल सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट में मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे फूड जो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फूड है वो है ओट्स। ओट्स अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद पीनट बटर। देखिए, पीनट बटर जो होता है इसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है, उसके साथ में प्रोटीन भी हाई होता है, तो पीनट बटर भी खाने से आपका जो एंड्योरेंस है स्टैमिना बढ़ता है। उसी के साथ में अगर आपको थोड़ी देर बाद ही स्टैमिना चाहिए, मतलब अगर आप थोड़ी देर बाद मान लीजिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या रनिंग करने जा रहे हैं, तो उसके 45 मिनट पहले अगर आप कॉफी पीते हैं, मतलब कॉफी बीन्स का यूज करते हैं, उसको खाते हैं या पीते हैं, तो इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। उसी के साथ में आप बनाना भी खा सकते हैं जिससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे 45 मिनट पहले आप ये चीजें खा सकते हैं। उसी के साथ में मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में आयरन की कमी होगी तो आपके शरीर में स्टैमिना की भी कमी होगी और ताकत भी आपको बहुत कम महसूस होगी। तो आप लोगों के शरीर में आयरन का जाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में ये भी मैं बता चुका हूं कि जल्द से जल्द अपने स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी इंडिया में बड़े बड़े पहलवान है वो सभी शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, तभी उनके शरीर में इतनी ताकत और स्टैमिना रहता है। तो इसके लिए आप लोग इंस्टेंट वेदा का लौह शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें आप लोग को शिलाजीत तो मिलेगा ही, साथ में आप लोग को इसमें लौह मिलती है। लौह मतलब आयरन, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमारे कमजोरी को दूर करता है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए।
कैसे इस्तेमाल करना है आप लोग को मैं ये भी बता देता हूं। इसमें आप लोग को देख सकते हो छोटा सा एक चम्मच स्पून आप लोग को छोटा सा मिलेगा, उसी से आप लोग को जरा सा चुटकी भर ये लेना है शिलाजीत, और इसे आप लोग हल्के गुनगुने दूध में ये थोड़ा सा मिलाना है, तब तक मिलाना है जब तक ये पूरी तरीके से मिल ना जाए, और उसके बाद इसे आप लोगों को पी जाना है। अब इसको इस्तेमाल करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, तो जो लोग मसल्स ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को स्क्रीन पे इस समय एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आप लोग चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके भी इसे ऑर्डर कर सकते हो और पूछ सकते हो लॉ शिलाजीत के बारे में कि आपकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करता है, और आप लोग इसे ऑर्डर भी इसी नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। और साथ में मैं इंस्टेंट वेदा के लॉ शिलाजीत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके साथ में आंवला, अगर आप आंवला जूस लेते हैं या आप आंवला को खाते हैं डेली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो अगला फूड है वो है एग्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है एग्स खाते हैं, तो अगर आप लगातार कुछ दिनों तक एग्स खाते हैं और अपनी डाइट में एग्स को शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ने लगता है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसको करके आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर जो एक्सरसाइजेस होती है वो कार्डियो एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें हम अपना पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइजेस। उसके साथ में अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स होते हैं जिसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेचिंग करते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग करते हैं, अलग अलग अपने जो बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेच करके और अपनी मसल्स को थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं, जिससे हमारा बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। एक बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मसल्स होंगी तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इसका रीजन है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वेटेड हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मसल्स नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ पे रोनाल्डो की बात करें, तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी पतली बॉडी है, मतलब कितनी एस्थेटिक बॉडी है, बहुत बड़ी बड़ी मसल्स नहीं है लेकिन बहुत एस्थेटिक और लीन बॉडी है। तो अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आपका स्टैमिना धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स बनाने की कोशिश ना करें, अपनी बॉडी को लीन रखें और आपका स्टैमिना कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है रनिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम है स्टैमिना या एंड्योरेंस से लेके, वो धीमे-धीमे समय के साथ में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जल्द से जल्द अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे इस समय जो वीडियो दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग जल्द से जल्द अपना वजन बढ़ा पाओगे, इसमें जो जो टिप्स दी गई हैं उनको अपना के आपका वजन बढ़ जाएगा।